शॉपिंग करने गई महिला ने बीच रास्ते दिया बच्चे को जन्म, देखते रहे लोग। चीन के युमफू शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो सोशल साइट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां एक महिला ने बीच सड़क बच्चे को जन्म दिया, इसके बाद उसने बच्चा और सामान का अपना झोला उठाया और घर की तरफ चल दी। ये है पूरा मामला। महिला के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। एक वेबसाइट के मुताबिक एक गर्भवती महिला शॉपिंग करके वापस घर जा रही थी, तभी बीच रास्ते में उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उसने हाथ में पकड़ा सामान सड़क पर रख दिया और झुककर खड़ी हो गई। कुछ ही देर बाद उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी दौरान सड़क के आसपास काफी भीड़ लग गई। हालांकि कुछ देर बाद दुकानदार ने मेडिकल इमरजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नर्स ने बच्चे की सफाई की और गर्भनाल काट दिया और कुछ देर तक दोनों की देखभाल भी की। बाद में मेडिकल टीम की सदस्यों ने महिला से हॉस्पिटल चलने को भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ देर बाद महिला ने बच्चे और अपने सामान को हाथ में उठाया और घर की ओर पैदल चल दी। वहीं भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया जिसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया है, जो वायरल हो रही है।